करने के लिए। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में खुराक की तैयारी से मुंसलिक अफराद के मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, 1689 अफराद टाइफाइड, 529 टीबी के मरीज निकले, जबकि स्क्रीनिंग के दौरान लोगों में हेपेटाइटिस बी और सी की तशखीस भी पाई गई। मजीद तफसीलात भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान, आगाह कीजिएगा रिपोर्ट के हवाले से। बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मेडिकल स्क्रीनिंग लैब में 47,671 अफराद की स्क्रीनिंग की है, जिसमें साल 2018 में 4,017 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन टाइप मोहम्मद उस्मान का कहना है कि सालाना स्क्रीनिंग रिपोर्ट के मुताबिक 1689 अफराद टाइफाइड की बीमारी में मुबतला थे, जबकि 529 अफराद टीबी में मुबतला थे। हेपेटाइटिस बी के जो मरीज थे वो 776, जबकि 1022 अफराद हेपेटाइटिस सी का शिकार पाए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि फूड वर्कर्स में HIV एड्स वायरस की निशानदेही भी हुई है, जिसे मुतलका इदारों को भिजवा दिया गया है। सुबह भर की स्क्रीनिंग लैब्स में चेकिंग जारी है। खुराक का कारोबार करने वालों का बीमारियों से पाक और सेहतमंद होना बहुत बेहद जरूरी है, जबकि बीमार अफराद का बराह रास्त खुराक से मुंसलिक होना मौसमी बीमारियों के फैलाव का बाइस बन रहा है। ये इस वाले से कैप्टन टाइप मोहम्मद उस्मान का कहना है कि मुतासर अफराद बराह रास्त खुराक तैयार करने के अलावा दूसरे शुबों में भी काम कर सकते हैं, जबकि फूड वर्कर्स के पास पंजाब फूड अथॉरिटी मेडिकल सर्टिफिकेट होना लाजिम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक।